इस वीडियो हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ खाली डाइकॉट्स में होती है और सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में नहीं होती है। वो मैं यहाँ पे बता दूं सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ पे होती है। और मैंने बता दिया आपको, मैं पहले लिख दूं हमारे यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ दो रीजन में होती है बेटा। मैंने आपको बोला जो हमारे पास एंडोडर्मिस के नीचे जो हमारे पास चीजें होती है, हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास पेरिसाइकल होता है, हमारे पास वेस्टुलर बंडल्स होते हैं और हमारे पास पित्त होता है। जिगर मेरा, इन सारी चीजों को हम बोलेंगे स्टल। तो पहली जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो होती है इसी एरिया में, इसको हम कहते हैं इंट्रास्टीलर रीजन। तो पहली ग्रोथ हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे इंट्रास्टीलर रीजन और इंट्रास्टीलर ग्रोथ। क्यों? क्योंकि हम ये एरिया लेंगे जिसको सिटल कहते हैं और इसी में हम सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जिगर मेरा, यहां पे जो मेरे पास यही जो इसका वास्कुलर कैम्बियम होता है, वास्कुलर बंडल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग। जैसे मैंने मोनोकॉट और डाइकॉट्स में आपको सिखाया हुआ है, ये हमारे पास वास्कुलर बंडल्स होते हैं अरेंज्ड इन अ रिंग। तो ये हमारा, मान लो ये हमारा वेस्क्यूलर बंडल है रिंग पे, दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग। तो जिगर मेरा, इसमें आप देखेंगे हमारे पास ये वाली चीज है फ्लोएम और ये वाली चीज है जाइलम। एज इट इज कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल प्लस है ओपन, दैट मीन्स वी डू हैव अ स्ट्रिप, जिसको हम क्या बोलते थे बेटा, वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो यहां पे हमारे पास है वेस्क्यूलर कैम्बियम, दिस इज अवर वेस्क्यूलर कैम्बियम। और ये वाला जो फ्लोएम है ये कहलाएगा प्राइमरी फ्लोएम, और ये वाला जाइलम जो हमारे पास होगा, ये वाला होगा हमारे पास प्राइमरी जाइलम। समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली बात, वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट्स वो होते हैं अरेंज्ड इन अ रिंग। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है इन द इंट्रास्टीलर रीजन, तो हम क्या बोलेंगे, जो इसका यहां पे मैंने स्ट्रिप जो बनाई थी, दिस स्ट्रिप आई एम डार्कनिंग दिस स्ट्रिप विद द कलर ताकि आपको समझ में आए। तो बेटा ये स्ट्रिप हमारे पास है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो मैं यहां पे लिख दूं, दिस इज आवर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो वास्कुलर बंडल के बीच में है, मैंने बोला आपको इसको कहेंगे हम कंजक्टिव टिश्यू। लेकिन ये वाला जो कैम्बियम है, ये वाला इन्हीं वास्कुलर बंडल्स के बीच में है, तो इसको बोलेंगे हम इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। समझ लेना पूरी बात।
मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जिगर मेरा जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है, दिस इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो इनके बीच में जो ग्राउंड टिश्यू है, फिल्म टिश्यू है, दिस इज इंटर, इंटर मीन्स इनके बीच में, यहाँ पे इंटर और इंट्रा, इधर इसके अंदर और इसके बाहर जो टिश्यू कैम्बियम है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। जो ये पेरिनकाइमे के सेल्स ये बने होते हैं, ये हो जाती, इनकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट होती है, दे बिकम डी डिफरेंशिएटेड, द सेल्स ऑफ दिस एरिया, मैं बोलूंगा जो हमारे पास ये पेरिनकाइमे के सेल्स हैं, इस एरिया में जहां पे वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये डी डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। डी डिफरेंशिएटेड मतलब ये इन्होंने काम किया था कंप्लीट, ये अब मैच्योर बन चुके थे, लेकिन जब मैच्योर सेल फिर से मेरिस्टमेटिक बनती है, फिर से डिवाइडिंग का काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इस कैम्बियम वाले जो पेरिनकाइमेट सेल्स हैं और इस वाले जो यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में सेल्स हैं, वो बन जाते हैं डी डिफरेंशिएटेड, और क्या हो जाता है बेटा, वो एक रिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब यही सेल्स डी डिफरेंशिएटेड होते हैं तो ये एक कैम्बियम रिंग बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कैम्बियम रिंग। तो पहला पॉइंट जब सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ेंगे तो पहला आप देखेंगे, पहले ये रिंग बनना शुरू हो जाता है। कैसे बनती है, जब इसी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की सेल्स और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की सेल्स जो होती है वो बन जाती है डी डिफरेंशिएटेड, तो तब ये एक रिंग बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, तो मैं यहां पे ले लूंगा, यही हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स। तो जिगर मेरा, अब हमारे पास ये रिंग बन चुका है, ये कैम्बियम रिंग बन चुका है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद जो हमारे पास, चलो मैं फिर से रख दूं यहां पे, हमारे पास था प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, दिस वन, दिस इज आवर प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। सो जिगर मेरा, इसको मैं यहां पे ला दूं, यहां से यहां तक, दिस वन अभी रिंग बन चुका है। अभी क्या होगा बेटा, हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर अब मिलेगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी वुड गेट। तो क्या हो जाता है, जो ये हमारे पास क्या था बेटा, प्राइमरी फ्लोएम था और ये था प्राइमरी जाइलम। तो ये प्राइमरी फ्लोएम जो है, इसको ये यहाँ पे डिपोजिशन हो रही है, एक सेल्स, बहुत सारी सेल्स की डिपोजिशन होती है, और इस प्राइमरी फ्लोएम को ये पुश करते हैं आउटसाइड, तो यहाँ पे मेरा बन गया सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, एक और फ्लोएम बना रहे हैं ये, जिसको बोल रहे हैं सेकेंडरी फ्लोएम, जो प्राइमरी फ्लोएम था उसको ये पुश करते हैं बाहर, दिस इज पुश्ड आउट। इसी तरह यहां पे भी क्या लिख करते हैं, यहां पे सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, और सेकेंडरी फ्लोएम जो हमारा प्राइमरी फ्लोएम था, दैट इज पुश्ड आउट, ये बाहर की ओर निकल रहा है। तो इसी तरह यहां पे भी हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, फ्लोएम बाहर की ओर बनेगा, और ये जो हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम था, इट वॉज पुश्ड आउट, इसको बाहर की ओर निकाला गया। तो बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे तो एक और फ्लोएम बन रहा है, रिंग की शक्ल में बन रहा है, इन द फॉर्म ऑफ रिंग। सो दिस इज आवर सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम से बेटा हमारे पास आ रहा है, यही फिर बॉल्स में कहलाते हैं कैम्बियम रिंग्स और कैम्बियम। तो बेटा यहां पे हमारे पास
एक रिंग एक्स्ट्रा बन रही है, और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है प्राइमरी ग्रोथ से खाली लेंथ बढ़ जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ से थिकनिंग होती है, गर्थ बन जाती है, इस तरह ये रिंग पर रिंग बन जाती है, रिंग पर रिंग बन जाती है, और नतीजे निकलता है पौधा चौड़ा चौड़ा बनना शुरू कर देता है। तो ये हमारा एक रिंग बन गया यहाँ पे, लेकिन इट इज आवर सेकेंडरी, मैं लिखूंगा यहाँ पे इट इज आवर सेकेंडरी फ्लोएम, दिस इज आवर प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम के बाद बन गया, प्राइमरी फ्लोएम के बाद बन गया सेकेंडरी फ्लोएम। इसी तरह इसके अंदर भी जो हमारा जाइलम है, इसको ये बाहर निकालते हैं, ये हमारा इधर आ गया प्राइमरी जाइलम, इधर आ गया प्राइमरी जाइलम, इधर आ गया, और क्या बन रहा है बेटा, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो मैं यहां पे बना दूं, तो इस तरह हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो बेटा ये समझ ले, और यहां पे बेटा हमारे पास आ रहा है, दिस इज और सेकेंडरी जाइलम, और प्राइमरी जाइलम को ये पिथ की ओर फेंक देता है, पुश करता है पिथ की ओर, तो नतीजा निकलता है, नतीजा निकलता है आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, जब ये रिंग, इसमें रिंग एड एड हो जाएंगे तो मोटा मोटा होता जाएगा, और एट लास्ट ये पिथ जो है इसका गायब हो जाएगा, क्योंकि इस द पिथ इज नाउ बीइंग फिल्ड बाय द प्राइमरी जाइलम। तो बेटा हमारे पास था ये प्राइमरी फ्लोएम, अब ये बन गया सेकेंडरी फ्लोएम, ये हमारे पास था प्राइमरी जाइलम, इसके अंदर आ गया हमारे पास सेकेंडरी जाइलम। तो इस तरह ये जो है गलत जो है मोटाई जो है बढ़ जाती है। तो ये एक सेकेंडरी ग्रोथ हमने बढ़ाई आपको, इंट्रास्टेलर रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बोल दूं, ये वाली सेल्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इनकी सेल्स क्या बन जाती है बेटा, डी डिफरेंशिएटेड, ये फिर से मेरिस्टमैटिक बन जाती है, इनमें डिविजन ऑफ लेबर फिर से आ जाता है, और ये एक रिंग बनाते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी फ्लोएम है वो बाहर की ओर निकल जाता है, और इसके अंदर जो गैप बन जाती है वहां पे सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। इसी तरह प्राइमरी जाइलम भी अंदर की ओर पुश किया जाता है इसको, और इस मेरिस्टमैटिक सेल्स इसको पुश करती है, और नतीजा निकलता है सेकेंडरी जाइलम इस तरह। तो इस तरह एक रिंग एक रिंग एक रिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये पिथ अल्टीमेटली गायब हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा ऐसे ही। यहां पे अगर हम दूसरी लेयर को बनाना चाहेंगे, दूसरी रिंग को बनाना चाहेंगे, तो ये प्राइमरी जाइलम जो है ये बिल्कुल पुश किया जाएगा बाहर, तो एक और रिंग यहां बन गई है, एक और रिंग यहां पे बन रही है। चलो मैं, दिस इज अनदर रिंग फॉर्मड इनसाइड दिस, और हमारे पास बेटा क्या था, प्राइमरी जाइलम था, और प्राइमरी जाइलम कहां जाएगा बेटा, वो अंदर की ओर फिर से यहां जाएगा, पुश किया जाएगा उसको अंदर की ओर, अंदर की ओर उसको पुश किया जाएगा, अंदर की ओर उसको पुश किया जाएगा, और आहिस्ते 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 ये जो पिथ है, सेंट्रल पिथ इज नॉट वेल डेवलप्ड, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड कोई गैप नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, इस तरह ये ग्रोथ कर जाता है। अब हम एक्स्ट्रा सिटेलर रीजन, यानी कि इसको छोड़ के, सिटेल को छोड़ के जो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे बेटा अब मैं लिखूंगा, ये था इंट्रा, अब लिखेंगे एक्स्ट्रा सिटेलर ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, एक्स्ट्रा सिटेलर सेकेंडरी ग्रोथ। जिगर मेरा यहां पे भी जो एक हमारे पास जो पैरेन्काइमेटस लेयर है, दिस वन, यहां पे भी ये डिफरेंशिएट डी, इनकी भी डी डिफरेंशिएशन होती है। जब इनकी डी डिफरेंशिएशन होगी तो बेटा चलो यहां पे हमारे पास ये
पेरेंट कार्बेट्स लेयर ले लिया, इनकी हो गई डी डिफ्रेंशिएशन। तो जब इनकी डी डिफ्रेंशिएशन होगी, इसको हम कहेंगे कॉर्क कैम्बियम, दिस इज कॉल्ड कॉर्क कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम का नाम है फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम को हम बोलते हैं फेलोजन, और फेलोजन। तो एक कॉर्क कैम्बियम बन रहा है। उसके बाद इस कॉर्क कैम्बियम से ऊपर बहुत सारी पेरिनकाइमेटस सेल्स बन जाती हैं, एक लेयर चढ़ जाती है पेरिनकाइमेटस सेल्स की। तो बेटा पेरिनकाइमेटस सेल्स की लेयर दोनों साइड से चल बन रही है, यहाँ पे नीचे भी इस कॉर्क कैम्बियम से ये एक रिंग बनाते हैं। मैं एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे भी ये रिंग की शक्ल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड मेरे पास उतना नहीं है, वरना मैं इसको रिंग की शक्ल में दिखाता। तो यहाँ पे जो कार्क लेंगे हम, तो कार्क से बेटा बन गया, दिस इज आवर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये हमारे पास आ गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। दिस रेड इज कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन, और इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम कहते हैं फेलोडर्म, फेलोडर्म इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फेलोडर्म, दिस इज कॉल्ड फेलोजन। और यहां पे एक चीज देखेंगे आप, इस वाले एरिया में कुछ सेल्स के पास सुबरीन की डिपॉजिशन होती है, इस साइड सुबरीन की डिपॉजिशन होती है। तो यहां पे बेटा इन पेरिनकाइमेटस सेल्स में क्या हो गया बेटा, सुबरीन डिपॉजिशन। तो यहां पे सुबरीन की डिपॉजिशन हो रही है, सुबरीन डिपॉजिशन, सुबरीन डिपॉजिशन जो हो रही, जो सुबरीन एक केमिकल है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू गैसेस, इम्परमिएबल टू एयर, किसी भी चीज को ये बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। तो बेटा यहां से पेरिनकाइमेटस सेल्स बन रही हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, लेकिन यहां इस एरिया में सुबरीन आ चुका है, तो ये सुबरीन से जो है क्या हो गया, ये एरिया डेड बन गया, जिसको हम बोलते हैं बाद में बार्क, प्राइमरी बार्क और लेटरल बार्क बोलते हैं इसको, जो पहले बन रहा है बार्क उसको प्राइमरी बार्क बोलते हैं। और नतीजे निकलता है, जो प्राइमरी सेल, जो मेरिस्टेमेटिक सेल यहां थी, इस सेल को कोई नरिशमेंट नहीं मिली, नतीजे निकला ये वाला जो यहां पे, इसको हम कहेंगे कॉर्क, दिस इज कॉल्ड कॉर्क, दिस वन इज कॉल्ड कॉर्क। और यही कॉर्क हर एक बोतल के ढक्कन पे काम करती है, कॉर्क इम्परमेबल टू वाटर होता है, और इसी कॉर्क को हम ढक्कन की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कोई भी चीज को, ये हर बोतल को एयर टाइट बनाता है बिकॉज ऑफ द सुबरीन डिपॉजिशन। तो नतीजे निकलेगा बेटा, तो इस वाले एरिया को मैं रब कर दूंगा, ये वाला एरिया हमारे पास रब होगा, और इस तरीके का हमारे पास गैप रहेगा, बस दिस एरिया बिकम डेड बिकॉज ऑफ द सुबरीन, और ये डेड मटेरियल हमारे पास बन गया बार्क। डेड क्यों बन गए बेटा, क्योंकि इन सेल्स के पास सुबरीन डिपॉजिशन है, और सुबरीन ने किसी केमिकल, किसी न्यूट्रिशन, किसी ताकत को अलाउ नहीं किया, नतीजे निकला ये वाला साइड जो है डेड हो गया, ये वाला साइड भी डेड हो गया। तो जो हमारे पास खाली ओपनिंग रहती है यहाँ पे, ये वाली ओपनिंग जहां से मटेरियल इधर उधर एक्सचेंज करेगा, दिस वन इज कॉल्ड लेंटिसल, दिस इज कॉल्ड लेंटिसल, दिस एरिया इज कॉल्ड लेंटिसल। तो बेटा हमारे पास, जब मैं लिख दूं, हमारे पास पहले था फेलोजन, फेलोजन, फेलोजन का दूसरा नाम मैं लिखूंगा कॉर्क कैम्बियम, हमारे पास दूसरी चीज है कॉर्क, सी ओ आर के, जिसको हम दूसरा नाम फेलम कहते हैं, फेलम। और हमारे पास तीसरी चीज है दिस वन सेकेंडरी कॉर्टेक्स,
सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो बेटा हमारे पास सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म कहते हैं, फेलोडर्म कहते हैं। तो जिगर मेरा सारी चीजों को मैं यहां पे लिख दूं, फेलोडर्म को, फेलोजिन को और फेलम को, इन तीनों को हम पेरीडर्म कहते हैं। ऑल द थ्री थिंग्स टुगेदर आर कॉल्ड पेरीडर्म। तो बेटा अगर हम बात करेंगे प्राइमरी ग्रोथ में क्या था और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आ गया, इन केस ऑफ इंट्रासेल्युलर एंड इन केस ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन में, तो बेटा हमारे पास पहले था एंडोडर्मिस, फिर था हमारे पास पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के नीचे हमारे पास, ऊपर था हमारे पास हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के ऊपर था हमारे पास एपिडर्मिस। ये मैं प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रहा हूं। जब प्राइमरी ग्रोथ पेरिसाइकल के नीचे हमारे पास था प्राइमरी फ्लोयम, फिर था हमारे पास प्राइमरी जाइलम जो कॉन्जॉइंट है, और फिर हमारे पास क्या था बेटा पिथ। समझ लेना पूरी बात को। जब यह था प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, तो प्राइमरी ग्रोथ जो है अब यहां लिखेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में हमारे पास क्या होता है बेटा सॉरी हमारे पास एपिडर्मिस लॉस हो जाता है। जब बहुत सालों तक ये ग्रोथ होती रहती है तो एपिडर्मिस लॉस, हमारे पास हाइपोडर्मिस भी लॉस हो जाता है, एंडोडर्मिस हमारे पास रह जाता है। जिगर मेरा हमारे पास प्राइमरी फ्लोयम रहता ही रहता है, लेकिन उसके बाद बन गया हमारे पास सेकेंडरी फ्लोयम। फिर क्या रह गया बेटा, प्राइमरी जाइलम तो रहता ही रहता है, उसके बाद हमारे पास आ गया सेकेंडरी जाइलम आ गया, और नतीजे निकलता है जो हमारे पास ये पित था, ये पित आहिस्ते आहिस्ते गायब हो जाता है, तो पित रिमेन्स एब्सेंट, तो पित बाद में गायब हो जाता है। इसी तरह यहां पे भी हमारे पास कॉर्केम्बियम, फिर यहां पे कॉर बन जाता है, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन जाता है। तो इस तरह सेकेंडरी ग्रोथ होती है इन डाइकॉट प्लांट्स, लेकिन ये वाली ग्रोथ जो मोनोकॉट्स में नहीं होती है।